इस लड़की के लिप्स पे हो गए हैं कीड़े, और देखिए हमारा चिमटी बहुत ही सेफ तरीके से रेड वाले कीड़े को रिमूव करेगा, और आज हम इसके पूरे लिप्स को बहुत ही सेफ तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे आज पूरा फुल। आगे हमारा बेलचा वाला कटर, और देखिए होल वाले कीड़े को बहुत ही सेफ तरीके से निकाल दिया काट के पूरा का पूरा। और ये होल वाले कीड़े को एक ही बार में काट के निकाल दिया पूरा का पूरा। और देखिए ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े को हमारे छोटे वाले कटर वाले चाकू ने निकाला। और ये हमारा क्रोमोला चाकू था जो कि बहुत ही औसम तरीके से कीड़े को निकाला। तो देखिए गोल्डन वाले चाकू ने भी बहुत ही सेफ तरीके से काट दिया कुछ कीड़े को। और ये ब्लैक वाले कीड़े भी सिलोल वाले चाकू ने काट के निकाल दिया उसको भी। और ये हमारा मस्तिष्क वाला कीड़ा था जो कि सेफ तरीके से कट के रिमूव हुआ। और ये होल वाले ट्राइफोफोबिया थे ये भी कट के निकल चुके हैं पूरी तरह। और ये कुछ घिनौने टाइप के ट्राइफोफोबी भी यहाँ थे जो कि ये भी निकल चुके हैं कट के रिमूव हो गए। और ये छोटे छोटे मैंगोट्स वाले कीड़े हैं जो कि ये भी सेफ तरीके से कट चुके हैं। और ये ब्लैक वाले घिनौने टाइप के कीड़े थे ये भी कट के रिमूव हो चुके हैं। और ये ब्लैक वाला ट्राइफोफोबिया है जो कि अभी सेफ तरीके से कट चुके हैं हम लोग। अब इसके होंठ पे लिप्स पे पूरा दवा लगा देंगे और फिर आएगा हमारा कॉटन वूल रुई। तो फाइनली हमारा कॉटन वूल रुई आ चुका है और हम लोग टाइमर भी चला चुके हैं। तो टाइमर चलने के बाद देखते हैं इस लड़की का लिप्स सेफ तरीके से ट्रीटमेंट हुआ है कि नहीं। तो फाइनली आप लोग देख सकते हो ट्रीटमेंट एनिमेशन हो चुका है पूरे ही लिप्स का। आप लोग देख सकते हो इस आदमी के पूरे ही माउथ में बहुत ही ज़्यादा कीड़े लगे हैं। तो हम चिमटी के माध्यम से और चाकू के माध्यम से इसे रिमूव करेंगे और पूरे के पूरे ट्रीटमेंट करेंगे हम पूरे इसके माउथ का। तो देखिए चाकू के माध्यम से हम लोगों ने बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव किया कुछ कीड़े को। और देखिए बड़े बड़े वाले कीड़े घवत को हम लोगों ने एक ही बार में फिनिश कर दिया काट के। और ये छोटे छोटे मैंगोट्स के भी बीज थे जो कि हम लोगों ने निकाल दिया है काट के। और ये कुछ ब्लैक वाले कीड़े हैं जो कि बहुत ही घिनौने टाइप के दिख रहे थे उसको भी निकाला हम लोगों ने।
और देखिए ये रेड वाले कलर के कीड़े थे जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। और ये लिजलिजी वाले कीड़े थे जो कि बहुत ही घिनौने टाइप के दिख रहे थे, उसको भी निकाला। और ये ब्लैक वाले कीड़े को भी हम लोगों ने सेफ तरीके से काट के रिमूव कर दिया है। और ये भी कुछ बहुत ही सेफ तरीके वाले कीड़े थे जो कि रिमूव हुए। और ये टीथ वाले दांत भी वायरस लग चुके थे, हमारा आ गया दवा। तो देखिए दूसरी जगह भी दवाई पड़ चुकी है, बहुत ही सेफ तरीके से आ गया हमारा कॉटमूल रुई जो कि अब बहुत सी से देखिए टाइमर चलने लगा है। तो सेफ तरीके से हम पूरे माउथ का ट्रीटमेंट कर देंगे। हे गाइस, जैसा आप लोग देख सकते हो इस लड़की की जीभ पे बहुत ही ज़्यादा वायरस हो गए हैं और ट्राइपोफोबिया वाले वायरस हो गए हैं। और देखिए हम चाकू के माध्यम से बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव किए कुछ कीड़े को। और देखिए ये हमारा चाकू बड़े वाले वायरस को एक ही बार में काट के गिरा दिया है। और ये छोटे छोटे घिनौने टाइप के कीड़े को भी हमारे चाकू ने काटा एक ही बार में। गाइस आप लोग देख सकते हो होंठ पे लगे हुए कीड़े को भी हम लोगों ने रिमूव किया। और ये कुछ ब्लैक वाले कीड़े लगे थे, इसको भी हम लोगों ने सेफ तरीके से काटा। और ये भी कुछ घिनौने टाइप के कीड़े थे जो कि ये भी रिमूव हो चुके हैं। और ये बड़े वाले कीड़े को एक ही बार भी काट के रिमूव कर दिए हम लोग। और ये छोटे छोटे घिनौने टाइप के कीड़े भी रिमूव हो चुके हैं। और हम लोग आज इसके पूरे ही जीप को बहुत ही सेफ तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। और अब कुछ ही वायरस बचे हुए हैं जो कि हम लोग रिमूव कर दिए। तो देखिए बहुत सारे कीड़े को हम लोगों ने काट के रिमूव कर दिया, हमारा स्प्रे आ गया। तो स्प्रे से हम लोग दवाई का छिड़काव कर देते हैं। तो देखिए दवाई का छिड़काव हो चुका है बहुत ही औसम तरीके से, आगे हमारा कॉटन मूल रुई। तो टाइमर चलने देते हैं, टाइमर चलने के बाद देखते हैं फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है हमारा। गाइस आप लोग देख सकते हो पूरे ही जीप पे लगे हैं कीड़े। और देखिए हम लोग चिमटी के माध्यम से इसको रिमूव करेंगे बहुत ही सेफ तरीके से और इसका फुल ट्रीटमेंट करेंगे। और देखिए चिमटी के माध्यम से हम लोगों ने कीड़े को रिमूव कर दिया। अभी तीसरा वाला कीड़ा ये भी पकड़ा गया और इसको भी देखिए हम लोगों ने सेफ तरीके से निकाल दिया है। अब हमारा आएगा चाकू और जीपर से होल वाले कीड़े को काटेगा। देखिए और देखिए ये होल वाला कीड़ा बहुत ही सेफ और औसम तरीके से कट के गिर चुका है। और आगे हमारा दूसरा वाला चाकू।
और ये जीप पे लगे हुए मैंगोस को बहुत ही ऑसम और लुक तरीके से काट के निकाल दिया है पूरा का पूरा। और ये छोटे छोटे होल वाले कीड़े थे जो कि अभी निकल चुके हैं बहुत ही सेफ तरीके से। तो देखिए क्रोमोला चाकू भी बहुत ही ऑसम और लुक तरीके से काट के निकाल दिया कुछ कीड़े को। और ये ब्लैक वाले कीड़े हैं जो कि ये भी निकल चुके हैं बहुत ही सेफ तरीके से। और देखिए हम लोग जीप का पूरा ही पूरा ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग पूरे पुल का। अभी बहुत सारे कीड़े बाकी हैं जो कि हम लोगों ने ट्रीटमेंट करना बाकी है हम लोगों का। और देखिए घिनौने टाइप के कीड़ा था जो कि ये भी निकल चुका है कट के। और ये भी देखिए सेफ तरीके से रिमूव हो चुका है बहुत ही ऑसम और लुक तरीके से आ गया बड़ा वाला चाकू हमारा। और देखिए बहुत ही सेफ तरीके से हम लोगों ने निकाल दिया है पूरा का पूरा। और ये भी देखिए वायरस बहुत सारा गिर चुके हैं एक नंबर के। और ये रेतीला वाला चाकू भी देखिए जीप के वायरस को काट दिया है पूरा का पूरा। और देखिए पूरे के पूरे जीव वाले कीड़े निकल चुके हैं। हम लोग स्प्रे का दवा डाल देंगे तो एक जगह दवाई पड़ चुकी है हम लोग दूसरी जगह भी डालेंगे। देखिए दूसरी जगह भी ऑसम तरीके से हम लोगों ने डाल दिया है इस पे दवा। अब आगे हमारा कॉटन वूल रही और हम लोग टाइमर चला देंगे। टाइमर चलाने के बाद देखते हैं फाइनल रिजल्ट हमारा क्या निकलता है। तो हेलो गाइस, जैसा आप लोग देख सकते हो इस लड़की के पूरे ही नेक वाले गर्दन पे देखिए बहुत ही ज़्यादा कीड़े लगे हैं और हम इसको चिमटी के माध्यम से रिमूव करेंगे आज और इसका फुल ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग। तो देखिए हमारा चिमटी जो कि है कीड़े को बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव किया। अब ये देखिए हमारा क्रोमोला चाकू बहुत ही ऑसम तरीके से काटा कुछ कीड़े को। और ये होल वाला कीड़ा भी कट के पूरा का पूरा गिर चुका है आ गया पतला वाला चाकू। और ये जख्म वाले फंगल को भी काट के गिरा दिया पूरा का पूरा। और ये होल वाले कीड़े थे जो कि वायरस से लग चुके थे पूरे के पूरे। और ये पूरे घिनौने टाइप के कीड़े थे ये भी रिमूव हो चुके हैं बहुत ही सेफ तरीके से। और ये हमारा हैंड वाला चाकू है जो कि बहुत ही ऑसम तरीके से रिमूव किया। और ये छोटे छोटे मैंगोस हैं जो कि ये भी रिमूव हो चुके हैं। और ये जाली वाले कीड़े थे जो कि ये भी सेफ तरीके से पूरे कट के रिमूव हुए। और ये फिंगर्स वाले कीड़े ये भी कट के रिमूव हुए। और ये छोटे छोटे मैंगोस हैं ये इसको भी हम लोगों ने काट के गिरा दिया। और देखिए घाव वाले बहुत ही वायरस थे वो भी कट के गिरे।
तो देखिए नेक का बहुत ही सेफ तरीके से ट्रीटमेंट हो चुका है, अभी थोड़ा बहुत बचा है। और ये काटेदार वाले कीड़े थे ये भी गिर चुके हैं बहुत ही औसम तरीके से। आ गया दूसरा चाकू हमारा। और ये भी देखिए बहुत ही औसम तरीके से पूरा का पूरा सेब तरीके से काट चुका है। हम लोग स्प्रे से दवा डाल देते हैं। तो देखिए दवाई पड़ चुकी है, अब हमारा आ जाएगा कॉटन बोल रुई। तो टाइमर चलने देते हैं, टाइमर चलने के बाद देखते हैं फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है हमारा। हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि गाइस आप लोग देख रहे हो इस लड़की के पूरे ही चेस्ट पे देखिए बहुत ही ज्यादा कीड़े लगे हैं। हम इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो भी चाकू के माध्यम से। तो देखिए बहुत ही सेफ तरीके से हम लोगों ने चाकू के माध्यम से बहुत सारे कीड़े को रिमूव किया। और देखिए छोटे छोटे कीड़े को, इसको भी देखिए बहुत ही सेफ तरीके से हम लोगों ने रिमूव कर दिया है। और ये देखिए मक्खी जैसे कीड़े थे वो भी रिमूव हो चुके हैं। और ये देखिए कुछ वायरस थे वो भी रिमूव हो गए एक ही बार में। तो देखिए हमारा चाकू बहुत ही सेफ तरीके से काट रहा है, पूरे का पूरा एनिमेशन कर रहा है ट्रीटमेंट। और देखिए ये बहुत सारे मैंगोस थे वो भी रिमूव हो चुके हैं। और ये कुछ घिनौने टाइप के कीड़े थे वो भी रिमूव हुए एक ही बार में। और ये हमारा बड़ा वाला चाकू था, ये बहुत ही सेफ तरीके से बहुत सारे कीड़े को रिमूव किया। और इसके गले पे लगे हुए कीड़े ये भी रिमूव हो चुके हैं। तो देखिए हमारा हैंड वाला चाकू बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव किया। अब हम लोग दवा डालेंगे इसके गले पे। तो देखिए दवा पड़ चुकी है, हम लोग कॉटन वूल रुई से इसे साफ करेंगे और टाइमर चला देंगे। तो टाइमर चलाने के बाद देखते हैं फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो इस लड़की के फेस एंड हेड पे देखिए बहुत ही तगड़े वाले कीड़े लगे हैं। तो हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो देखिए हम चाकू के माध्यम से बहुत ही सेफ तरीके से बहुत सारे कीड़े को काटा हम लोगों ने। और ये देखिए कुछ गिनौड़े टाइप के कीड़े थे ये भी रिमूव हो चुके हैं। हमारा हैंड वाला चाकू आया और ये आंख वाले कीड़े को रिमूव किया एक ही बार में। और ये देखिए इसके चिक्स पे लगे हुए कीड़े को निकाल रहा है, तो ये भी निकल चुके हैं। और ये लास्ट वाला था वो भी निकल चुका है। आगे हमारा दूसरा चाकू।
और ये होल वाले कीड़े को एक ही बार में काट के निकाल दिया पूरा का पूरा। और ये घिनौने टाइप के कीड़े हैं, ये भी रिमूव हो चुके हैं बहुत ही सेफ तरीके से। और ये भी कुछ वायरस थे, ये भी रिमूव हुए। हमारा क्रोमा चाकू आया। और ये होल वाले कीड़े थे, ये भी रिमूव हो चुके हैं बहुत ही ऑसम तरीके से। और ये हमारा हैंड वाला चाकू रिमूव किया एक ही बार में बहुत सारे कीड़े को। और ये छोटे छोटे कीड़े हैं, ये भी रिमूव हुए एक ही बार में। हमारा कटर काटा। और ये देखिए घिनौने टाइप के कीड़े थे, वो रिमूव हो चुके हैं बहुत ही सेफ तरीके से। और ये कुछ भी कीड़े थे, वो भी रिमूव हुए। और देखिए इसके चिक्स पे लगे हुए कीड़े को हम लोगों ने देखिए बहुत ही ऑसम तरीके से निकाल दिया है। आगे छोटा वाला चाकू। और ये बड़े बड़े वाले कीड़े को एक ही बार में निकाला पूरा का पूरा काट के। तो देखिए हेड पो पूरा हुई हम लोगों ने साफ कर दिया है। और फेस भी देखिए बहुत ही सेफ तरीके से क्लीन हो चुका है। अभी इसके माउथ पे हम लोग दवा डाल देंगे। तो देखिए एक जगह दवाई पड़ चुकी है और पूरा का पूरा दवा पड़ चुका है इसके माउथ पे। हम लोग अब रुई से साफ करेंगे कॉटन वूल से। तो टाइमर चलने देते हैं, टाइमर चलने के बाद देखते हैं फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है।